नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था कि एक मनुष्य की मां गाय नहीं हो सकती, जिसका समर्थन शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता उन्होंने किया था, जिसके बाद इनको फ़ोन कॉल्स पे धमकियां मिली थी। इस वक्त मेरे साथ शिवानंद तिवारी हैं। जो बयान आपने दिया, जो समर्थन किया जिन बयानों का, उसके बाद आपको धमकी मिली? धमकी क्या मिली, गाली गलौज किया उसी बयान के चलते किया, या उसके पहले और भी हम फेसबुक पर बयान देते रहे हैं या मीडिया वालों के सामने अपनी राय बताते रहे हैं। देखिए, देश का वातावरण जो है बिल्कुल जहरीला माने बन गया है और बनाया जा रहा है, और कई तरह की ताकतें इसमें सक्रिय हैं। उसमें एक तो जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, और दुर्भाग्य ये है कि जो शासक पार्टी है माने दिल्ली में जिसका शासन है, देश पर जिसकी हुकूमत है, इसके अलावे अन्य राज्यों में उसका शासन है, खुद प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे देश का वातावरण जो है विषाक्त हो रहा है। अभी देखिए कि हरिद्वार में 3 दिनों का माने संत संसद हुआ। ये संत संसद क्या होता है? एक भारतीय संसद तो है जो संविधान के अनुसार जिसका गठन हुआ है। ये संत संसद क्या है, ये माने हमारे समझ में कभी नहीं आया। अगर धर्म संसद है तो धर्म में तो प्रेम की भाषा बोली जानी चाहिए, मोहब्बत की भाषा बोली चाहिए, समाज में बिखराव ख़त्म हो और समाज एकजुट हो, इस तरह की भाषा का की अपेक्षा जो है संतों से की जाती है। उसका देखिए वीडियो, उसका वायरल है, उसमें जो भाषण हुआ उसमें बिल्कुल यानी नरसंहार का आह्वान किया गया है। कहा कि 100 नौजवान जो है 1,00,000 मुसलमानों को मार दें, अब जो है 5,000 का मोबाइल रखने का रखिए, लेकिन 1,00,000 का हथियार जो है खरीदिए। ये सीधे सीधे आह्वान किया जा रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा भाई? और जिस दिन ये बयान आ रहा है उसी दिन माने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में एकता और आपसी सामंजस्य जो है वो ज़रूरी है, ये देश को खतरा से बचाने के लिए। दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो अगर प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं जो कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे लोग जो समाज में के एकता को तोड़ रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, आपस में माने लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? अब वहाँ जो है उत्तराखंड में जहाँ ये हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, वहाँ के DGP कहते हैं कि उनके खिलाफ़ जो है फलाने फलाने धारा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जा रहा है, जिनके बोलने और भाषण करने से कहीं हिंसा नहीं बढ़ती, लेकिन जो लोग खुलेआम नरसंहार की धमकी कत्लेआम के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसका रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये इसी में हमारे यहाँ एक ANI न्यूज एजेंसी के लोग आए उस दिन, जो है इनका दिग्विजय सिंह का कोई ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर साहब ने माने गाय को माता वो नहीं मानते थे, ये लोग माता मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए जानवर होगी, हमारे लिए तो माता है। तो एक तरफ आप हिंदुत्व का की बात करते हैं जो सावरकर का सिद्धांत है, और दूसरी तरफ सावरकर जो है गाय के बारे में जो कह रहे हैं आप उसको नहीं मानते हैं। सावरकर ने कहा है ये माने आपको किताबों में छपी है, ये कई जगह उद्धृत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है गाय हमारे लिए उपयोगी जानवर है, उसकी देखभाल उसका सेवा शुश्रूषा होना चाहिए, लेकिन जो गाय जो जानवर माने मूत्र करता है गोबर करता है उसी पर बैठ करके पूंछ से लपेट के अपने देह में उसको लगाता है, उसको माता कैसे कहा जा सकता है? ये तो मनुष्य जाति का अपमान है, ये सावरकर साहब ने कहा। इसी पर हमने कहा, दूसरी बात जो मैंने उसमें अपनी जोड़ी, उसमें हमने ये कहा कि ये जो है 1923 में आपको हिंदुत्व का इस्तेमाल हुआ शब्द का, उसके बाद चलन में आया हिंदी साहित्य में, इसके पहले चलन में नहीं आया था। हिंदुत्व के बारे में स्पष्ट तौर पर सावरकर साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। अब हिंदू धर्म के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है तो ये जो है यहाँ जो है वेद लिखा गया, यहाँ जो है उपनिषद लिखा गया, यहाँ जो है
और राम ने उतार लिया, कृष्ण ने उतार लिया, सब लोगों ने लीलाएं की हैं इस धरती पर, उसको आप फेंक दीजिए, उसको आप भूल जाइए। और 1923 में सावरकर साहब ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है उसके अनुसार देश को बनाइए, तो बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। और हिंदू धर्म को ये लोग अधर्म के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। हिंदू धर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखाता है। हमारे चार अभी 500 बरस पहले 600 बरस पहले तुलसीदास जी हुए, सबसे बड़े राम भक्त माने गए। रामचरितमानस जो है पूरे हिंदी पट्टी में एक ज़माने में जब समाज बिखर रहा था उसको रोकने का उसने काम किया। उन्होंने क्या कहा, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जा रहा है, जिनके बोलने और भाषण करने से कहीं हिंसा नहीं बढ़ती, लेकिन जो लोग खुलेआम नरसंहार की धमकी कत्लेआम के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उसका रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये इसी में हमारे यहाँ एक ANI न्यूज एजेंसी के लोग आए, उस दिन जो है इनका दिग्विजय सिंह का कोई ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर साहब ने पहले गाय को माता वो नहीं मानते थे, ये लोग माता मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए जानवर होगी, हमारे लिए तो माता है। तो एक एक तरफ आप हिंदुत्व का की बात करते हैं जो सावरकर का सिद्धांत है, और दूसरी तरफ सावरकर जो है गाय के बारे में जो कह रहे हैं आप उसको नहीं मानते हैं। सावरकर ने कहा है ये, मैंने आपको किताबों में छपी है, ये कई जगह उद्धृत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है गाय हमारे लिए उपयोगी जानवर है, उसकी देखभाल उसका सेवा शुश्रूषा होना चाहिए, लेकिन जो गाय जो जानवर माने मूत्र करता है गोबर करता है उसी पर बैठ करके पूंछ से लपेट के अपने देह में उसको लगाता है उसको माता कैसे कहा जा सकता है, ये तो मनुष्य जाति का अपमान है, ये सावरकर साहब ने कहा। इसी पर हमने कहा, दूसरी बात जो मैंने उसमें अपनी जोड़ी उसमें हमने ये कहा कि ये जो है 1923 में आपको हिंदुत्व का इस्तेमाल हुआ शब्द का, उसके बाद चलन में आया हिंदी साहित्य में, इसके पहले चलन में नहीं आया था। हिंदुत्व के बारे में स्पष्ट तौर पर सावरकर साहब ने कहा है कि हिंदू धर्म अलग है हिंदुत्व अलग है। अब हिंदू धर्म के बारे में सब लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है तो ये जो है यहाँ जो है वेद लिखा गया, यहाँ जो है उपनिषद लिखा गया, यहाँ जो है राम ने उतार लिया, कृष्ण ने उतार लिया, सब लोगों ने लीलाएं की हैं इस धरती पर, उसको आप फेंक दीजिए, उसको आप भूल जाइए। और 1923 में सावरकर साहब ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है उसके अनुसार देश को बनाइए, तो बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। और हिंदू धर्म को ये लोग अधर्म के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। हिंदू धर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखाता है। हमारे चार अभी 500 बरस पहले 600 बरस पहले तुलसीदास जी हुए, सबसे बड़े राम भक्त माने गए। रामचरितमानस जो है पूरे हिंदी पट्टी में एक ज़माने में जब समाज बिखर रहा था उसको रोकने का उसने काम किया। उन्होंने क्या कहा जो है एक अभियान नहीं होगा जब तक जो है सरकार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अगर जहर फैलाएंगे तो हम पुलिस में केस करके उसको रोक सकते हैं क्या, ये कहीं से संभव है? ये तो जहाँ से फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, आप UAP में क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं भाई, ये पंडितों को उसके बाद भी हुआ है, कोई साधु संत जो है उसी तरह की भाषा बोल रहा है, ये खुलेआम बोला जा रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे लगता है कि जैसे सत्ता का प्रश्रय हो इसके ऊपर, तो जहाँ सत्ता का प्रश्रय है, जहाँ शासक पार्टी ही इसको करा रही है, जहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उसमें जो है पुलिस थाना में हम शिकायत करके क्या हासिल करेंगे? इसलिए हमने कोई यानी पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं किया है, बात सार्वजनिक है, फ़ोन नंबर जहाँ से फ़ोन आया था वो भी सार्वजनिक है, जिनको लगता है पता लगाएं वो लोग कौन है क्या है किस तरह का आदमी है, लेकिन वो सामान्य आदमी नहीं है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।